हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब, जो बहुत टेस्टी कबाब बन के तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन है, इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और फिर उसके बाद आधा कप चने की दाल ली है, जिसे 1 घंटा भिगो के रखा था। तो दाल यहाँ फूल चुकी है। कुछ खड़े मसाले लेने हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 लौंग, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च। सारे खड़े मसालों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। चिकन को प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है, चने की दाल को ऐड कर देना है, फिर जो मसाला हमने तैयार किया था उसे ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने मसालों को ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दे, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक को ऐड कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। तो मसालों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देना है चलाते हुए। तो अब इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ मैं, पानी कम ही ऐड करना है क्योंकि चिकन का पानी भी निकलता है। अब हाई फ्लेम पे 2 से 3 विसल लगा लेना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे चिकन देखते हैं पक चुका है, तो इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो चिकन को अच्छी तरीके से मैश करके ठंडा कर लेना है। एक प्लेट में यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो फैन के नीचे अच्छी तरीके से इसे ठंडा कर लें। तो अब ये ठंडा हो चुके हैं, तो इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में निकाल लिया है, अब इसमें डालना है कटा हुआ हरा धनिया। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर का आटा, इससे हमारे कबाब बिल्कुल से क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एक डो बना लेना है। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर टिक्के का शेप दे रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर गोल गोल शेप दे रही हूँ। तो बहुत ही थोड़े से चिकन में आप लोग बहुत सारा कबाब बना सकते हैं और इसे आप स्टोर करके भी फ्रिज में कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। कबाब के कोटिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक एग, इसे मैं बोल में तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें डालना है 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो कबाब को इसमें लेना है और डिप कर देना है, इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेना है अंडे से। सारे कबाबों को इसी तरीके से कोट कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो इसे फ्राई करना है, शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सारे कबाबों को फ्राई कर ले रही हूँ, तो हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है क्योंकि हमारे चिकन बिल्कुल पके हुए हैं। एक तरफ से फ्राई होने के बाद पलटा देना इसे। एक से दो मिनट में ये सारे कबाब अच्छी तरीके से पक जाते हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे आप हरी चटनी या लाल चटनी, टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी शामी कबाब की इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।